अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण खान एंड वन ऑफ द जजेस. ये जो डांस कंपटीशन सीजन 2 हो रहा है साहिर के शो पे, ज़बरदस्त और धमाकेदार परफॉर्मेंसेज हैं बच्चों की, मस्ट वॉच हैं. और अगर आप अपडेट्स लेना चाहते हैं इस डांस कंपटीशन के हवाले से तो आप अपने आप को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल TvOne TK पर. सो कीप योरसेल्फ अपडेटेड. आपका साहिर डांस कंपटीशन सीजन 2 के दूसरे हफ्ते का पहला दिन था. सारे बच्चे वीकेंड के बाद एक नए जोश और एनर्जी के साथ अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार थे. बॉल में से चिट निकाल कर सरप्राइज सॉन्ग पर जुमे को 18 बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दिखा चुके थे और अब बारी थी बाकी के 18 बच्चों की. आज 8 दीवाने मुकाबला करेंगे 10 मस्तानों से. एक दीवाने से और एक मस्ताने से खिलाड़ी आते रहे और अपने डांस के जलवे दिखाते रहे. किसी ने किया जजेस को मायूस. जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं डाला. आपके एक्टिंग ज्यादा थी, डांस बहुत फीका था. किसी ने तोहफे में ली जजेस से चॉकलेट. चॉकलेट बिंदास परफॉर्मेंस. अगर एक बार तू वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छी मूवमेंट की. ऐसा लग रहा है वो आखिरी अंकल नहीं होते जिनको हार्ट अटैक हुआ होता है. बिल्कुल जो एकदम बेटे, अब तो बस सब जो कुछ लाइफ में है यही है बस. आजा 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 पिया के बाजार में. फिर आज आपने हम लोगों के दिल जीत लिए, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस. सभी परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार थी, पर ये है तो एक मुकाबला ही. वो वक्त तो आना ही था जब सबके दिल रुक जाते हैं, धड़कने थम जाती हैं, सांसें थम जाती हैं. अब बारी है एलिमिनेशंस की. जी हाँ, एलिमिनेशंस का राउंड आया और जजेस ने अपना फैसला साहिर लोधी के हवाले कर दिया. 10 बच्चे बाहर आएंगे. उम्दा राशिद, जायान, लाइबा, अजीज खान. वही मनाजिर और वही आंसू. जैसे जैसे एलिमिनेशंस अनाउंस हुई वैसे वैसे सब उदास होने लगे. राशिद, उम्दा राशिद, जायान और लाइबा का सफर हमारे साथ कल इख्तिताम पजीर हुआ. कल उनकी अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी पर ट्रॉफीज दी गयी. I'm sorry, Zayan. आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जजेस ये समझते हैं कि आज के बाद आप हमारे साथ हैं. जजेस का फैसला है, किसी एक को जीतना है, किसी एक को हारना है. अब इस मुकाबले में 32 बच्चे बचे हैं जिनके दरमियान आज मुकाबला होगा. देखते हैं कौन बनता है हीरो और कौन हो जाता है जीरो. देखते रहिए आपका साहिर डांस कंपटीशन सीजन 2. स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. मुश्किल बड़ी है रस्म में मोहब्बत.
मैं तुमको सुनवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के बिना हम तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हम दम मेरे हम नशीन, दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि आप लोग तालियां थोड़ी कम है ये बात। हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जीना, तुम जो ना मिलते अगर, ये बात सच है सब जानते, मुश्किल बड़ी है रस्म में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, दिल है ये मानता नहीं, दिल है ये मानता मुश्किल भरी है हस में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, ओ दिल है कि मानता बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता ही नहीं, दिल है कि मानता मैंने एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा आज जो मुकाबला है वो बड़ा कमाल है। आज आप पेयर्स में
यानी जोड़ों में परफॉर्मेंस देंगे और एक नहीं तीन तीन लोग परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन आज भी चार एलिमिनेशंस हैं, चार एलिमिनेशंस हैं। आपको इंडिविजुअल भी परफॉर्म करना होगा और टीम के साथ भी परफॉर्म करना होगा। तो तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? All right, ladies and gentlemen, छोटा सा एक ब्रेक, आप संभलते हैं ब्रेक के बाद। अरे बजाओ ना, क्या कर रहे हो? अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इतने हसीन बच्चे हैं आप लोग। अरे आंटी बाद में मांग लेना उनसे मोबाइल। यहां पर अमिताभ बच्चन खड़े हैं, जिनसे क्या तस्वीर लेनी है आपको? लगे होते हैं यार मैं शो कर रहा हूं यहां पर ऊपर से। अरे एक मोबाइल तो दे दे, अभी दे रहे हैं आपको। प्लीज जरा बच्चों के लिए तालियां बजा दीजिएगा, थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चो मस्तान है, तैयार है? दीवाने तैयार है? लेकिन आज तुम लोगों के साथ एक अजीब इत्तेफाक होने वाला है। आज तीन तीन लोगों की, चार चार लोगों की परफॉर्मेंस है, लेकिन आपके जो ये हसीन जजेस हैं, इन्होंने बड़ा कमाल सा आज आपको करना है। आज आपका, याद रखिएगा, आपका टीम वर्क देखा जाएगा, आपका आई कॉन्टैक्ट देखा जाएगा, आपकी एनर्जी देखी जाएगी, आपकी स्टेपिंग देखी जाएगी, आपका कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा, याद रखिएगा आपके एक्सप्रेशंस देखे जाएंगे। आज आप लोग मिलके परफॉर्म करेंगे एक गाने पे, लेकिन याद रखिएगा ये तमाम चीजें जो मैंने बताई हैं, अगर ये चीजें आप पे नहीं हुई तो जजेस आपको आज एलिमिनेट कर देंगे। तो आज आप बावजूद इसके कि दूसरों के साथ डांस करेंगे, आपने पूरे जी जान के साथ डांस करना है। तो मस्ताने तैयार है? दीवाने तैयार है? और मेरी जो सोई हुई ऑडियंस है वो तैयार है? यार तुम लोगों से ज्यादा बच्चे शोर मचा रहे हैं, जरा मचाना। अब आप लोग शोर मचाइए प्लीज। अब इनके लिए हम शोर मचाते हैं, इनके लिए हम तालियां बजाते हैं। यार मुझे लगता है हम लोग यहां पर ना दुबई या इंडिया चलते हैं ना, वहां पर ऑडियंस कम से कम, ऑडियंस तो या लाहौर चलो, कम से कम ऑडियंस तो शोर मचाएगी। लाहौर जाएंगे? नहीं नहीं मजा नहीं आया, तुम लोग शोर ही नहीं मचाते हो। आंटी चचा ठीक है बिल्कुल, उनके बारे में मत सोचें, वो न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि आइंदा 25-30 साल तक रहेंगे, फिक्र नहीं करें आप। चलिए रेडी? Alright जी, here we go। आज की हमारी पहली परफॉर्मेंस जो है वो तीन लोगों की है। हमारी पहली परफॉर्मेंस में मोहित, सुनील एंड प्रिवश। Here we go, ladies and gentlemen, let's see। एक मिनट सूच है एकदम। ये जो कौन है जिसको जाके पप्पी तो करो यार, किसी को एक, ये गाना इनका नहीं है। हमारी टीम के साथ ऐसा क्यों होता है? ये तुम्हारी टीम के साथ नहीं होता, मेरे साथ होता है। असल में शो तो मैं कर रहा होता हूँ ना, और मुझे अच्छे एक्सप्रेशंस रखने होते हैं। मेरा दिल चाहता है मेरे सारे बच्चे होते जो मेरे साथ काम करते ना, लगाता इनको मैं, इनका जो गाना है वो लगाता। नहीं पता तो पूछ लो बेटा, गाना कौन सा बताना? आ भी जा खुदा, यहां से लगेगा कितना काम कर रहे होते हैं।
कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपने 100% दिया है। शाबाश, जैसा मैंने तुम लोगों को सिखाया था तुम लोगों ने वैसे ही किया है। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, आई लव दैट। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लोग बाहर जाकर यही बोलना मैंने सिखाया तुमको। जी प्लीज जजेस। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इतना शॉर्ट टाइम था और ये सब आपने बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज किया, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, ये एक दूसरे को नहीं देख रहे थे, ये अपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे और बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे थे। मुझे तीनों की परफॉर्मेंस में सोलो डांस करना इजी होता है, ग्रुप डांस बहुत मुश्किल होता है। सबको एक दूसरे को फॉलो करना होता है, और तीन मेरे फेवरेट जो थे वो एक साथ जगह थे। वाओ परफॉर्मेंस, जबरदस्त। मुहित, आप तो आउटस्टैंडिंग थे, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सुनील, आपकी कोऑर्डिनेशन कहीं कहीं मिस हो रही थी। मुहित आपको देख रहे थे बार बार, जहाँ आप एक यू वाला स्टेप था, जहाँ पे आपको देख के उसने अपना स्टेप वापस आपके साथ कोऑर्डिनेट किया, आपने नहीं किया। आपका आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं था जैसे होना चाहिए। बाकी प्रवेश आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन था, वो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों बहुत तेज डांस कर रहे थे और आप थोड़ा सा स्लो थी उनके साथ। बाकी ओवरऑल आपने मेरा सर फखर से ऊंचा कर दिया। सबसे पहले प्रवेश, प्रवेश आपकी ओवरऑल मूवमेंट्स बहुत अच्छी थी, वेव्स जो आपने बीच में डाली थी वो भी अच्छी थी, जिस तरह से आपने लड़कों को दोनों को इन्वॉल्व किया, वेरी गुड, सब कुछ अच्छा था। बीच में कहीं कहीं आपके एक्सप्रेशंस आउट हुए थे, लेकिन यू कवर्ड इट अप। सुनील, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी मुहित के नस्बत, वो इसलिए क्योंकि यू वर ऑल द टाइम गिविंग प्रॉपर एक्सप्रेशंस। मुहित, तुमसे एक्सपेक्टेशंस मेरी ज़्यादा थी क्योंकि यू आर अ ब्रिलियंट डांसर, लेकिन यहाँ से आइडिया हो रहा है कि देखो ग्रुप परफॉर्मेंस में और सोलो में कितना डिफरेंस आ जाता है। दो जगहों पे, जहाँ पे एक तो वॉकिंग करने वाला तुम तीनों का जो मूव था पीछे आने वाला, वहाँ पे जो है मुहित ने कवर किया, तुम दोनों से मिस हुआ था वो। सेकेंडली, जहाँ पे वो जो वेव वाली मूवमेंट थी, वहाँ पे सुनील ने कवर किया, वहाँ पे आप दोनों ने उसको पिक किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे आपकी कोऑर्डिनेशन आउट होती हैं। थैंक यू सर। आगे से अपना और बेस्ट देंगे। वैसे बड़ी गलत बात है, तुम लोगों ने इन लोगों को यूं किया यार, मैं जो करवा रहा हूँ तुमको डांसेस वो नहीं कर। शाबाश शाबाश भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अब तो मेरे घर में भी कोई यूं नहीं करता ना, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं है। और थोड़ा माइक जरा ज्यादा बढ़ा दे। हाँ जी, कैसी लगी आपको? अच्छी लगे या बुरी लगे, तालियां तो बजा दो। अच्छा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये जो परफॉर्मेंस आपने देखी है, इसके अंदर दो तीन चीजें बहुत खूबसूरत थी। पहली बात तो ये कि ये वो बच्चे हैं जिनको टाइम जो था वो सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटा मिला। कल रात को 2 बजे तक ये सब के सब यहां पर प्रैक्टिस करते रहे, 2 बजे तक। आप लोगों का क्या हमने जेल वेल में बिठाया हुआ है, क्या किया हुआ है? मतलब कोई आप किसी एल्कट्रास प्रिजन के अंदर है तो जेल में नहीं बिठाए तो आई नो के टेलीफोन का बिल ज्यादा आया है, आई नो के हस्बैंड की नजरें दूसरी खवातीन की जानिब जाती हैं, क्या करें,
इसके लिए इसका मतलब ये नहीं, तालियां नहीं बजानी इनके लिए। अरे एकदम साइलेंट आंटीज बैठी हुई हैं, आप लोग जब अकेली होती है तो इतनी साइलेंट नहीं होती हैं। बात कर करके हम, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, परवाह नहीं है। जब जब आप गैर मुल्क में परफॉर्मेंस देते हैं तो ऐसा ही होता है। हाँ बिल्कुल, और हमने अपने लिए तालियां बजानी बजानी है। अच्छा नहीं मैं खुद भी एक बूढ़ा अंकल लग रहा हूँ, बिकॉज बुखार इतना है कि इट्स अनबिलीवेबल। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे खुशी इस बात की है कि इन लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और तैयार हो जाइए हमारी दूसरी परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन उससे पहले आएगा एक छोटा सा ब्रेक, आपने प्लीज कहीं नहीं जाना, खुदा का वास्ता कहीं नहीं जाना, हमारा फसला हो जाएगा। देखो बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारे एड्स हैं, और हम सबको पे भी मिलनी है, चेक भी मिलने, तो प्लीज खुदा का वास्ता, तो मैं तुम्हारे मरे हुए रिश्तेदारों की कसम, जितने लोग चले गए उनकी कसम, कहीं मत जाना, अभी वापस आ रहे हैं। जरा वॉल्यूम ऊपर कीजिएगा। अच्छा ये सारे तो जितनी मेहनत करते हैं, इन्होंने फन भी बहुत किया है, इन्होंने कराची देखा और कराची वालों के साथ देखा, जो बच्चे बाहर से आए हुए थे वो भी। या अच्छा आप एक बार डिसाइड करो, कोई शोर करे ना करे तुम सब करोगे, 1 2 3 गो। तो इन्होंने कराची देखा और क्या हुआ आंटी, कुछ तो बता दो मुझे प्लीज, खुदा का वास्ता प्लीज बता दो। हमें मैं शो कर रहा हूं, तुम आपस में बात कर रहे, देखिए तुम्हें पता है मेरी कमेटी निकली है। अगर हम लोग शो नहीं कर रहे होते ना, अंग्रेजी उर्दू में बड़ी गलत गलत बातें जो मैं बोल सकता था, पर बोल ले रहा हूं मैं, क्योंकि शो कर रहे हैं हम लोग, बंद हो जाएगा। तो इसलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, रिक्वेस्ट आपसे ये है कि बच्चों के हौसला अफजाई करें, हम भी किसी के बच्चे हैं और ये तो सब किसी, वाकई किसी ना किसी के बच्चे हैं। ऑलराइट, तो इन्होंने कराची देखा और मिलके देखा, और किस तरह से देखा आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। डांस कंपटीशन सीजन 2 के एक हफ्ते की कामयाबी और बहुत सी थकन के बाद अगले हफ्ते के लिए फ्रेश होने के लिए तमाम बच्चों के लिए TvOne और आपका साहिर की टीम ने पिकनिक का प्लान बनाया। सबसे पहले कायदे आजम मोहम्मद रेजिना फिर बारी आई समंदर की। सी व्यू पर इन तमाम बच्चों ने भी बेपनाह एंजॉय किया, ग्रुप बने और सब ने एक एक करके अपना टैलेंट दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरीबा मलिक है, मैं ऑडिशंस में सिलेक्ट हुई थी आपके साथ ऑडिशंस में, और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और ये शो बहुत अच्छा है। आज संडे हमारा ऑफ था, रिहर्सल से ऑफ था, तो आज साहिर भाई ने हमारे लिए पिकनिक अरेंज की। हम पहले कायदे आजम के मजार पे गए और अब यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है। साहिर भाई थैंक यू सो मच, देखते रहिए आपका साहिर डांस कॉम्पिटिशन सीजन 2।
मौज मस्ती डांस और मुस्कुराहटों से भरपूर ये पिकनिक इन तमाम बच्चों को और हम सबको हमेशा याद रहेगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ, सब साथ आओ, सब साथ आओ, सब साथ आओ, तुम सब के लिए, तुम सब के लिए, तुम सब के लिए। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। पीना साथ है, मरना जीना साथ है, खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है, सारी जिंदगी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं दो नजर मगर देखो तो नहीं, हो जुदा या खफा है खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे तेरे लिए ले लेंगे सबसे दुश्मनी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर दोस्ती। ये पूरे पाकिस्तान के लिए और इन बच्चों ने पाकिस्तान को जो प्यार का पैगाम दिया है उसके लिए, इनकी सलाहियतों के लिए और जीशान के लिए जो आवाज़ नहीं बढ़ाता, खुदा गवास्ता बढ़ा दे, और मेरे इस बैंड के लिए जो कहीं से भी शुरू कर देते हैं, तालियां बहुत सारी। बैठिए जी, बैठिए। थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। तुम्हें ये तो पता ना, हम ब्रेक में बात करेंगे। कभी कभी ना जज्बात में ये चोटी वाला बड़े अजीब अजीब काम करता है। इसको जरा दिखाइएगा, स्क्रीन पे दिखाइएगा चोटी वाले को। ये कहीं से भी शुरू कर देता है, इसके अंदर एक रकासा है जो जाग पड़ती है। कोई भी उमराव जान अदा, पता नहीं कहीं से भी। अब जाहिर है जब इसने शुरू कर दिया तो वही स्केल भी लेना पड़ता है, वही लय भी लेनी पड़ती है। इसको इस बात का एहसास नहीं है कि मैं किशोर कुमार नहीं हूं, इसको ये पता नहीं है। लेकिन बारह लेनी हुई लेडीज जमेन, आर वी रेडी फॉर द सेकंड परफॉर्मेंस? तैयार है? ऑलराइट लेडीज जमेन, साहिल, हैदर एंड मारमा। इधर आओ, इधर आओ, सामने देखो कैमरे के और बोलो आंटी। आंटी कैटरीना, कैटरीना। अबे यार, जिस तरह से तुमने कैटरीना बोला है तो बोलो आंटी कैटरीना। आंटी कैटरीना, वी लव यू। छोटा सा ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, और साहिर भाई को देखते रहिए, और साहिर भाई को देखते रहिए। We'll be right back.
बंद कर रहे, छोटा सा एक मेल फंक्शन हो गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। कुछ ऐसे लाइव शोज में अक्सर ऐसा होता है, अक्सर तो नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है। हमारे एक बहुत प्यारे से बच्चे हैं और साहिल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इससे पहले कि बाकी सबको भी प्रॉब्लम हो जाता उसने कहा ये प्रॉब्लम सही कर ले। तो नो वरीज, जी 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 जी, कोई बात नहीं। अरे तो क्या है यार, थोड़ा सा माइक खोल दे यार, तुझे क्या प्रॉब्लम क्या है? हाँ कोई मसला नहीं है, इट्स ओके, हो जाता है। साहिल बेटा अब चेक कर लेना, ऐसा नहीं हो मसला हो जाए। बेटा सब बिल्कुल ठीक है ना? आ जाओ आ जाओ, आ गया साहिल, आ गया साहिल, आ गया, गुड गुड, वेरी नाइस। अच्छा ये शुक्र है इसको फौरन एहसास हो गया तो ये वहां चला गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जरा गाना लगा दो। शाबाश बेटा, आगे से ना थोड़ा बेल्ट पहन के आते हैं। इससे पहले के जजेस कुछ कहें, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। बेटा अपने जूते कभी भूल के भी मत उतारना। ओके। उसकी वजह ये नहीं है कि तुम बगैर जूतों के डांस नहीं कर सकते, उसकी वजह ये हम बेहोश हो सकते हैं। ऐसा मत करना।
तुम्हें प्लीज बेटे ऐसा नहीं करते, ये तुम जाके किसी वार्ड में उतार दो जहां ऑपरेशन की जरूरत हो। मरीज 25-30 दिन तक होश में नहीं आएगा, डोंट वरी। जी बोलिएगा। अच्छा जी, साहिल से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, साहिल की थोड़ी सी एनर्जी डाउन थी आज, मेरे ख्याल से शायद आप कॉन्शियसली डांस कर रहे थे, आप मुझे परफॉर्मेंस के अंदर मौजूद नहीं लगे। और हैदर की परफॉर्मेंस बहुत जोश वाली थी, बहुत एनर्जी थी, लेकिन कहीं कहीं आप में जो आप एक मर्दाना एक मैनली डांस करते हैं ना, वो थोड़ा सा मिसिंग था। मुझे आज थोड़े से आपके जनाने स्टेप्स लगे, आप उसी को मर्दाने स्टाइल से करते ना और अच्छा लगता। एंड मेहरमान क्या गजब स्पिन किया है, वो डबल स्पिन, बैठे 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 गोल घूमी और उसी में पूरा चक्कर काटा, टू गुड टू गुड, कहीं आप लड़खड़ाई नहीं, वेरी गुड। साहिल मेरा बहुत फेवरेट डांसर है, लेकिन आज पता नहीं कि उसकी एनर्जी कुछ आज हमने रिहर्सल सही नहीं की थी ना, हाँ कुछ डाउन लग रहा था, या लग रहा था कि जैसे नींद पूरी नहीं हुई है तो सही से परफॉर्म नहीं कर रहा। और हैदर जो है वो बहुत अच्छा डांसर है, पूरी एनर्जी के साथ डांस करता है, लेकिन कोऑर्डिनेशन बड़ी मिसिंग थी, बहुत बहुत मिसिंग हो रही थी सब चीज़ों में। रिहर्सल का कल टाइम नहीं बचा, हाँ ये तो हम मानते हैं, बिल्कुल टाइम बहुत शॉर्ट था और उसमें आपने उसके बावजूद क्या बोलूं, शुरू से ही खराब था तो बोलना क्या है, बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी आप लोगों की, क्योंकि स्टेप मूवमेंट जब आप लोगों ने शुरू किए हैं तो सिंक ही नहीं थे आप लोग, पहले स्टेप से आप लोग सिंक नहीं है। आप हैदर आगे डांस कर रहे हैं, ये दो पीछे डांस कर रहे हैं, और मैं कंटिन्यूसली देख रही थी कि कॉन्स्टेंटली यही चीज़ हो रही थी कि आप आगे हैं और ये दोनों पीछे हैं। दूसरी बात ये कि साहिल को स्टेप्स याद थे और आप उन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे, हैदर आप बिल्कुल भी नहीं देख रहे थे कि वो क्या करें, आप अपने स्टेप में, वो अपने स्टेप में, मेहमा अपने स्टेप। आई एम डिसअपॉइंटेड, वेरी बैड परफॉर्मेंस, मज़ा ही नहीं आया देखने में। आई मीन आप लोग तीनों बहुत अच्छा डांस करते हो, लेकिन आई एम सॉरी लेकिन बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी। देखिए जब हम ग्रुप परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोऑर्डिनेशन, जो कि आप तीनों में नहीं थी। सदफ ने बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट बताया कि हैदर आप बार बार आगे चले जाते थे और यूँ लगता था कि इट्स नॉट अ सिंगल लाइन, इट्स अ डायगनल लाइन। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, साहिल तुम्हारे मूवमेंट सही आ रहे थे, हैदर तुम इतना इन्वॉल्व हो गए थे गाने में, दैट्स गुड। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना, तो इट्स नॉट कि आपको इन्वॉल्व होना चाहिए इसके अंदर। मेहरमा स्पिन वॉज वेरी गुड, लेकिन मैं कोरियोग्राफी से इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छे डांसर्स हैं और ये तीनों बहुत अच्छे कर सकते हैं बिसाइड लिमिटेशन ऑफ टाइम, लेकिन वो सेम रिपीटेशन ऑफ स्टेप्स इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सिमिलरली जो मूवमेंट्स फ्लोर को हम यूज़ कर सकते थे, इन तीनों को यूटिलाइज कर सकते थे, वो इसके अंदर मिसिंग थी। और तीसरा, जब कमली वाला पार्ट के अंदर जब मेहरमा बैठ गई थी, उसमें आप दोनों बॉयज़ के कंटिन्यूसली सेम स्टेप्स थे, मेहरमा ही उसको लीड कर रही थी, तो मुझे इस परफॉर्मेंस से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी आप तीनों से, लेकिन मुझे वो फुलफिल नहीं हुई। स्टेप्स में इनका कसूर नहीं ना, फिर वो तो नहीं, स्टिल जो कोऑर्डिनेशन, देखिए सिंपल स्टेप्स थे बिसाइड ऑफ टाइम, स्टेप्स सिंपल थे, उसमें भी इनकी कोऑर्डिनेशन आउट हो रही थी। ये दोनों बॉयज़ का एक दूसरे से आई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था, और जब मेहरमा के साथ इनके मूव्स थे उसमें भी इन तीनों की कोऑर्डिनेशन आउट हो रही थी। ग्रुप डांस की खूबसूरती यही होती है कि आप अपने मार्क याद हो, बिल्कुल अपनी पोजीशनिंग्स और अपनी कोऑर्डिनेशन और आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है इसके अंदर। बट इसमें मैं थोड़ा सा वो देखने वालों को अच्छा लगेगा, मुझे हैदर तुम्हारी एक या से एक चीज अच्छी जो लगी, तुमने मलंग के अंदर फुल इन्वॉल्व, जैसे माहौल चाहिए था मलंग के अंदर, वो तुम्हारा सोलो था, इट वॉज नॉट इन अ ग्रुप, मुझे वो अच्छा लगा। तो मैं रिहर्सल करने का टाइम ही नहीं मिला, एक जगह पे खड़े होकर टाइम नहीं मिला। जितना देखो स्टेप्स मुश्किल नहीं थे, स्टेप्स उसी लिहाज से करवाए गए कि जो तुम्हारे पास टाइम कम था, लेकिन उसके अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। देखिए यू ऑल गाइज आर ब्रिलियंट डांसर्स, ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सक्यूजेज नहीं होनी कि हमारे पास आधा घंटा मिला, हमें एक घंटा, जितना भी मिला यू हैव टू रिहर्स दैट। आप तीनों के पास मोबाइल्स हैं ना, तो आप वीडियोस तो बनाते होंगे, क्योंकि जब मैं भी रिहर्सल्स पे जाती हूँ मैं सिर्फ 30 मिनट परफॉर्म करके आ जाती हूँ और मैं वीडियो के साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। देखिए कंपटीशन में कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, बैठ जाए यार, बैठ जाए कोई नहीं।
मुझे भी टाइम नहीं मिला जी, वरना मैं भी आप लोगों को बड़ा इम्प्रेस करता जी। क्या 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 जी? आज चॉकलेट नहीं है। आज चॉकलेट नहीं है? नहीं, हो भी सकती है। हो भी नहीं सकते थे? हो सकती है, हो सकती है। चॉकलेट आप मुझे देखिएगा जो मैं कमली पे डांस करूंगा। ये वो बयान है जो अक्सर शेख रशीद देते हैं। कमली वाला नहीं बयान देते, वो इसी किस्म का बयान देते हैं ना, मार्च में चली जाएगी। अच्छा वो महीने बढ़ाते रहते हैं, पहले कहते हैं जनवरी में चली जाएगी, फिर जनवरी में नहीं जाती तो कहते हैं फरवरी तो आखिरी होगा ही, फिर इसके बाद फरवरी में नहीं जाती तो फिर इसके बाद कहते हैं अब तो मार्च आखिरी होगा, मार्च में भी नहीं जाएगी तो कहते हैं मुझे तो पता नहीं है, मेरे लिए तो चली गई है, ये लोग ही बस बाकी बैठे हैं। बट वी लव यू, आई लव, ये मैं मजाक में कह रहा हूँ, आई लव शेख साहब। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जिगर बड़ा था इसलिए टकराने आ गए, जो हमें नहीं जानता उन्हें अब पता चलेगा कि जंगल में शेर पुराने आ गए। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाओ तराना यारा झूम झूम के हाले। राजू मेरा नाम है और प्यार से लोग मुझे बुलाते हैं क्वीन नंबर वन। और आए बहुत सारी तालियां सबके लिए। जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, गाओ तराना यारा झूम झूम के हाले हो ओले ओले ओले। लेडीज एंड जेंटलमैन तैयार हो जाइए मेडले नंबर तीन के लिए, असद अतीब एंड मलाइका। अरे तालियां तो बजाओ। Let's go.
बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गया तेरा साजना तेरे बिन जियो नहीं यूं लगता मैं तो मर जावा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा ले जा हो टाइम टू डिस्को कौन मिले किस किसको इट्स द टाइम टू डिस्को जी अच्छा सबसे पहले तो ये असद क्या कमाल आपने लड़की उठा ली भाई हाँ टाउन पे सिर्फ लड़की उठा ली ओवरऑल परफॉर्मेंस ओवरऑल एक्ट जो था वो बहुत अच्छा था देखने में मलाइका इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स आपकी तो परफॉर्मेंस टू गुड थी स्पेशली जब आपने वो वार्डरोब भी चेंज कर लिया ना बीच में एकदम से और ब्यूटिफुली स्टार्टेड ऑफ बहुत अच्छी तीनों ने जब स्पिन एक साथ किया वो देखने में बहुत अच्छा लगा उसमें मैं आपको वो ग्रुप के जो मार्क्स होते हैं वो मैं ज़रूर दूँगी बट अतीब हाँ आप आज थोड़े से आपके शायद वो वाले जो एक खास मूव्स होते हैं ना वो एक्सप्रेशंस वाले वो नहीं थे थोड़ा डिफरेंट डांस था तो मुझे थोड़ा सा आपका परफॉर्मेंस डाउन लगी एंड यू वर टू गुड यू वर एंजॉयिंग द म्यूजिक थॉरली वेरी गुड अतीब लग रहा था आज पहले वाले गाने में फंस गया है वो बोले चूड़ियाँ क्योंकि ये कॉमिक डांस बहुत अच्छा करता है बोले चूड़ियाँ में बड़ा रोमांटिक सा गाना था उसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था लेकिन कर दूसरा गाना इसने बहुत अच्छा किया बेटा शादी करके देख तुझे ये गाना कॉमिकल ही लगेगा असद तो बहुत एनर्जेटिक है बहुत अच्छा डांस करता है मलाइका को क्या कहूँ मलाइका डे फर्स्ट से ही सबकी नंबर वन पे जा रही है एक मिनट हजरत मिस्टर साइमन कावल प्लीज ओपनिंग वाज Fantastic, fabulous, stupendous, क्या बोलूँ और too good. But कहीं कहीं coordination में problem थी जहाँ ले जा जब आ रहा था जब आप दोनों के बोल आए थे तो उसमें आप दोनों की coordination sync नहीं थी बहुत मज़ा नहीं आ रहा था देखने मलाइका was excellent और एक जगह का step है जहाँ पर आप लोग दोनों ऐसे कर रहे हैं याद है वो step कहाँ आता है वहाँ पे आपका यहाँ है और असद का यहाँ यू नो ये फ़र्क नहीं आना चाहिए जब हम सिंग कर रहे होते हैं अच्छा गाइस मुझे तुम सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी ठीक है स्पेशली जब वो ले जा वाला मूव था और आ वाले मूव जो आगे पीछे तुम लोग मूव हो एकदम सिंक्रोनाइज लाइन में आ गए हो सिंक्रोनाइज लाइन में पीछे गए हो एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी जब तुम लोग तीनों मूव कर रहे थे अलग अलग डायरेक्शन में पूरे फ्लोर को यूटिलाइज कर रहे थे वेरी गुड सिंक्रोनाइज तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात भले वो मलाइका ने वो गिरी थी जब मलाइका लेकिन तुम दोनों बॉयज ने उसको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया जिसकी वजह से वो बैलेंस करके गिरी एंड अमेजिंग कोरियोग्राफ वेरी गुड वर्क तुम लोग जाके उधर बैठो तुम दोनों जाके बैठ जाओ दोनों जजेस आ जाए प्लीज मलाइका तुम यहीं पर रहो जजेस आ जाइए अरे दोनों जजेस आओ ना क्या हो गया है हाँ तो और क्या तुम दोनों तुम्हें बॉयज अरे आप भी तो आए ना
बॉयज ओनली बॉयज ओनली बॉयज तुमने वैसे ही करना जैसे तुमने कहा बोल चूड़ियां जैसे तुम लेके चली थी ना ऐसे करके लेके चली थी ना मैं याद ना ये यू करके जो चली थी तो प्लीज वी जस्ट वांट टू सी दैट वी जस्ट वांट टू सी दैट तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया शुरू से करें इनको नहीं आता शुरू से करें अरे तो आप लोग ऐसे खड़े हो ना जीनियस उसको करने दो बोले चूड़ियां बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गई तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर जावा ले जा सोनिए ले जा दिल ले जा हो अच्छा ब्रेक आ गई
तेरा ठुमका बड़ा किंकी किंकी टाइप दा निगोरी तेरा झुमका बड़ा फंकी फंकी टाइप दा कटीली तेरी अखियां जैसे नोब रुगीली नाइब दा निगोरी तेरा नखरा बड़ा हैंगी पैंकी टाइप दा किसी हिट गाने भेजो गवन मट खा देगी तू फटीचर से ये दिल बन जाएगा शहजादा ऊंची वाली हील पहन कर डांस बसंती डांस बसंती डांस बसंती हर लिमिट की हाइट पे चढ़ के डांस बसंती डांस बसंती कम ऑन डांस बसंती डांस 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 जी जी बताइएगा जजेस मेरा तो मुंह खुला रह गया इसके लास्ट वाले स्टेप पे जब आपने दोनों ने इसको पकड़ा भाई गर्दन वर्दन ठीक है ना क्योंकि वो मुझे नहीं लगा कि वो ठीक से हो पाया थोड़ी सी लचक एक आई उसमें फिनिश नहीं थी लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस आप तीनों की मुझे बहुत अच्छी लगी कोऑर्डिनेशन अच्छी थी आप लोगों की बट आई थिंक ग्रुप डांसिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इंडिविजुअल आप लोग सब बहुत अच्छा करते हैं लेकिन ग्रुप में वो वाली चीज़ नहीं थी जो एक इंडिविजुअल आप लोग आज अगर खाली ज़ारा की तारीफ करूंगा तो गलत होगा क्योंकि आज क्रिस्टीन और ताशफीन दोनों ने बहुत अच्छा किया तीनों ग्रुप डांसिंग क्या लगा बहुत अच्छा किया आप लोगों ने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए बहुत अच्छा कर लिया हाँ भाई बहुत अच्छा किया तश्फीन ज़ारा और क्रिस्केन ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी बहुत अच्छी कोरियोग्राफ हुई थी हर चीज़ बहुत अच्छा था कुछ जगहों पे तश्फीन राइट तश्फीन तुम पीछे हो गए थे और आप दोनों आगे थे तो मुझे ये नहीं समझ नहीं आ रहा था कि ये एक डायगनल मूवमेंट है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है नहीं तो ये कोई लाइन नहीं होती ना या इट शुड बी अ डायगनल या इट शुड बी अ स्ट्रेट ये कोई एंगल नहीं होता राइट एंगल ठीक है थैंक यू जी थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया ऑलराइट जी हमारा जो छठी परफॉर्मेंस है वो शेरो सकलेन एंड फातिमा आ जाइए शेरो सकलेन एंड फातिमा आ जाइए One, two, three, four, go. ओ मैनू काला चश्मा जचदा ए
इन्होंने अकेला छोड़ दिया था बेटा। That's okay. जजेस की तरफ जाते हैं। हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था, दो बड़े लड़कों के साथ आप छोटी सी बट बड़े कॉन्फिडेंटली आपने अपने स्टेप्स निभाए हैं, बस सिर्फ एक छोटी सी स्माइल की कहीं कहीं कमी मुझे लगी थी, बट यू वर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द फ्लोर, बाकी दो लड़कों ने अच्छा किया। मुझे जो है शहरोज की परफॉर्मेंस सकलेन से ज़्यादा बेटर लगी और स्टेप्स नज़र आ रहे थे। हाँ, फातिमा कुछ कुछ स्टेप भूल रही थी लेकिन फिर भी इन्होंने, मतलब लड़कों ने अपना एक अलग ही ग्रुप बना लिया था, लग रहा था वो अलग ही हो गए, उन्होंने फातिमा को बिल्कुल छोड़ दिया था। और सकलैन आप एक दफ़ा एलिमिनेट भी हो चुके हैं लेकिन फिर भी काफ़ी इंप्रूव कर लिया आपने, अच्छा किया। लेकिन शहरोज आपकी परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा पसंद। फातिमा आपका डांस बहुत अच्छा था, सिर्फ एक स्माइल की कमी थी लेकिन उस डांस के लिए एक चॉकलेट है। शहरोज आप बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन सिंक नहीं था डांस, आप दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ईस्ट एंड वेस्ट जा रही थी। सकलैन मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर लगी शहरोज से, उसका रीज़न ये था कि शहरोज काफ़ी जगहों पे तुम्हें फॉलो कर रहा था, तुम उसको लीड कर रहे थे और तुम्हें वो फॉलो कर रहा था। फातिमा तुम्हारी परफॉर्मेंस में जो जो जैसे तुमने काला चश्मा उतारा और उसको पहना और फिर उसको फेंका, इट वॉज वेरी गुड। कुछ चीज़ें मैं समझ सकता हूँ कोरियोग्राफर ने बहुत अच्छे तरीके से इस परफॉर्मेंस को कोरियोग्राफ किया बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड द डांसर्स। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज तशरीफ रखिए। ऑलराइट जी, कैसा लगा सो फार? अच्छा जी, अभी चार परफॉर्मेंस और बाकी है, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, are you guys ready? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो रमजान में बना था और वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, लेकिन वो कमाल बच्चा है, वो कमाल बच्चा है, वो मुझे जब हग करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कल मेरे लिए कुछ चीजें लेके आया था और आज आप सबके साथ वो यहां आया है, आप सबको रोज बैठ के देखता है। अरे तालियां तो बजाओ यार। और आपको बहुत पसंद करता है उसकी जिंदगी के नाम सैयद मुबशर अली, आ जाओ। ठीक हो तुम? यस। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है मुबशर को? पेट में गोलियां हैं तो वो हम इनको खुश करने की कोशिश करते हैं और ये आपको देखकर इतना मिस करते हैं। जानू, आपका नाम जानू है और इन्होंने, अब सब इनको दोस्त कहते हैं, इन्होंने आज तक किसी को दोस्त नहीं कहा सिवाय आपके। ये मेरा भी दोस्त है और ये इन सब का भी दोस्त है, तुम सब का दोस्त है। तो आज हम सब इनके लिए एक डांस करेंगे, तुम डांस करोगे मेरे साथ?
नहीं 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 आता लैला और लैला पे ना, अरे लैला पे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा यार, ऐसा क्या लगाओ ना लैला पे, ये क्या है, लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए, व्हाट इज दिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, वाओ दे आपने बनाया है, थैंक यू अहमद, थैंक यू, ये लीजिएगा, ये क्या है, ये तो मेरे लिए है, ये तुमने मेरे लिए बनाया है, और ये क्या ये हम लोग गाने के लिए आपने बोला था तो वो उन्होंने जमा किए हैं तो ये तकरीबन 2.5-3.5 हज़ार रुपए इसमें 940 रुपए ये रमजान में मैंने कोक की एक कैंपेन की थी अब्दुल सत्तार ईदी के लिए और ये अहमद अब्बास ने इसको जमा किए हैं, इसमें 3,500 रुपए हैं तकरीबन जो इन्होंने इसमें इसमें ये इधर देखो ये इसके अंदर ये छोटे छोटे से गुल्लक भी हैं और ये एक बॉटल भी है जिसको इन्होंने 3,500 रुपए जमा किए हैं ईदी साहब के लिए, थैंक यू जी, आप लोग तशरीफ रखिए, आप लोग तशरीफ रखिए, आप लोग तशरीफ बाद में जी प्लीज जाइए, आप लोग तशरीफ ये रखिएगा ये प्लीज ले जाइए, थैंक यू सो मच जी, तुम मेरे साथ आओ, इधर आओ, जरा लगाइएगा, आप लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करनी है, लैला में लैला करना है, ठीक है, सबने करना है, ठीक है, एवरीवन तुम्हारे लिए ठीक है, हियर वी गो, लेकिन प्यार प्यार से आगे नहीं आना इसके, इधर आओ मेरे ये चल रही आवाज, अच्छा ये कुछ खवातीन यहाँ पर भी हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं और ये खास तौर पे देखने के लिए आई हैं, इनको जरा अपने पास बिठाइए और कैमरा भी कीजिएगा, इनको अपने पास बिठाइए, पानी लेके आइए, इसको पान खाना मत सिखा दीजिएगा, खुद बोले बच्चा बैठे यहाँ से एकदम पान की आदत लेके चला जाए, अच्छा जी रेडी, ऑलराइट थैंक यू वेरी मच मुबशिर के लिए, बहुत सारी तालियां मुबशिर, आई लव यू, अरे चॉकलेट तो दो, जिसको देनी हो उसको देती नहीं हो, लो छुपा के रखी नहीं है, एक चॉकलेट साहिर की भी बनती है आज तो
सारी चॉकलेट छीन ली सब सब ब्रांड नेम से कुछ नहीं होता कभी कभी ब्रांड नेम को अरे कुछ नहीं सबसे बड़ा ब्रांड मुबशर यहाँ बैठा हुआ है वी लव यू जाने दो कुछ नहीं होता अच्छा जी तैयार है आप लोग थैंक यू जज बहुत बहुत शुक्रिया Here we go, Osama Saad and Anzesh, आ जाओ गौर से देखना डांस को गौर से देखना हाँ जी क्रेजी किया रे जी आपने तो मुझे बहुत क्रेजी कर दिया जब आपने सीखे ना जी बहुत क्रेजी था वो हाँ जी इनका क्या नाम है साद साद आप दोनों ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया था मुझे लगता है कि तीनों की जो परफॉर्मेंस है वो कोरियोग्राफी को बड़ा जस्टिस कर रही है और जिस तरह से सिखाया गया उसी तरह से परफॉर्म किया गया कहीं कहीं आप दोनों के स्टेप्स आउट थे और अंजिश यू आर ट्रूली अ लिटिल आंटी के पास दो चॉकलेट पड़ी हैं अंजिश अंजिश जो है ना वो सीखने के लिए नहीं सिखाने के लिए आई है यहाँ साद और उसामा दोनों बहुत अच्छे डांसर हैं बहुत अच्छा डांस करते हैं लेकिन आज अंजिश दोनों के डांस को खा गई मतलब उस पे से नजर नहीं हट रही थी कि मैं उधर उनको देखता वो इतना अच्छा डांस कर रही थी वेट हां जी अंजिश आज आप में वो बात नहीं थी जो आप थ्रू आउट देती आ रही थी मुझे मज़ा नहीं आया आपकी आपका एनर्जी लेवल सिवाय वो जो आप अपना सर घुमा रही थी उसके अलावा वो एनर्जी नहीं थी जो आपकी एक्चुअली है ठीक है वो आई थिंक शायद एक जैसा डांस होने की वजह से मे बी
आपको सिंग करना था शायद इसलिए. आप दोनों की कोऑर्डिनेशन बहुत ही पुअर थी शुरू में. जब मलंग मलंग आया वो बिल्कुल डिफरेंट जा रहा था. जहाँ पे आपकी पंच लाइन्स आ रही थी वहाँ पे आप लोगों की कोऑर्डिनेशन जीरो थी. मुझे मज़ा नहीं आया देखने. गाइस मुझे वाकई ये लगा कि ये होती है ग्रुप परफॉर्मेंस. ये होती है ग्रुप परफॉर्मेंस. मुझे मलंग में कहीं आप लोगों का ये नहीं लगा कि आउट था. इतनी अच्छी कोरियोग्राफ, इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन, परफेक्ट, वेरी गुड परफॉर्मेंस. बिल्कुल. और उसामा और उन्होंने अंजिश उसामा एंड साद ने बहुत अच्छा साथ दिया अंजिश का. वेरी गुड परफॉर्मेंस. क्या बात है. ओके अच्छा जी, ब्रेक है या हम चल सकते हैं, आगे चल सकते हैं बता दीजिए मुझे. अगर ब्रेक है तो बता दें, वरना ब्रेक नहीं है बता दीजिए मुझे. अभी नहीं ब्रेक, अभी नहीं है. ओके जी. हसन, शामीर, अलीशा एंड अरीबा. अरीबा आज हमारे पास आ नहीं सकी हैं तो उनकी तबीयत खराब है, उनको बुखार है. तो कल हम जजेस से रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या हम कल उनको बुला सकते हैं, उनको बुखार है बाकी, वो डॉक्टर के पास गई हैं. अरीबा, अरीबा ठीक है जी. तो ये तीन की परफॉर्मेंस है, हैं इसमें चार, लेकिन अरीबा का जो फैसला है वो जजेस के डिस्कशन पे होगा. हियर वी गो. स्वागत स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. चमक चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी. आप संभालो जिम्मेदारी. बात बात कर दी है, हाथ बात मार दी है. बैठे काबीना बैक सीट बनो तेरा स्वागत लागे सेक्सी बनो. अभी तो हो गया. एक मिनट तुम लोग इधर खड़े हो, जरा दोबारा से करना बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी. जरा प्लीज करना, प्लीज जरा करना. आई जस्ट वांट टू सी दिस. 1 2 3 गो बनो. ये कप्तान कप्तान. गर्म हवा दी उड़ी गुब्बारी
फैमिली दे हाथ नियारी चुपनी चुपनी चमक चिंगारी मानसून से हल्की भारी वार्निंग पब्लिक में जारी आप संभालो जिम्मेदारी बात बात कर दी है हाथ बात मार दी है बैठे का भी ना बैक सीट बनो तेरा स्वैगर लागे सेक्सी बनो Hello, all the future aunties and future uncles, यहाँ पर आ जाओ हाँ जी बताइए जल्दी जल्दी overall ये लग नहीं रहा था कि this is a group performance यूँ लग रहा था सिर्फ अलशा के लिए आप दोनों perform कर रहे हैं ये कहीं से group performance मुझे नहीं लगी पहले वाले गाने में हर चीज़ बहुत uncoordination थी second वाले गाने में कुछ चीज़ें अच्छी आईं लेकिन still मुझे लग नहीं रहा था it's a good performance बिल्कुल पहले गाले गाने में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं थी बिल्कुल सिंक नहीं था मज़ा ही नहीं आ रहा था देखने में आप अलग कर रहे थे और शामिर आपको क्या हुआ था आप तो बहुत अच्छा डांस करते हैं आपके एक्सप्रेशंस भी नहीं थे डांस भी स्लो कर रहे थे आज वो बात नहीं थी आप में लेकिन हाँ सेकेंड वाले गाने पर आपने पिक पकड़ा और वापस आप लोग का एनर्जी लेवल आया और अलीशा आपने बहुत अच्छा किया इन दोनों में से मैं आपको पॉइंट्स दूंगी लव यू आप चौकड़े में जाएँ रात एक चॉकलेट अभी बाकी है एक चॉकलेट बाकी है शामिल बहुत अच्छा डांसर है लेकिन आज ये लग रहा है कि जैसे ये ग्रुप डांस के लिए नहीं है इसको सोलो डांस देते हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और अलीशा के लिए ज़रूरी था आज अच्छा प्रूफ करना उनको ज़रूरी था क्योंकि इनकी एंट्री हुई है और अगर ये प्रूफ ना करती तो निकल भी जाती फौरन तो मुझे शामिल की परफॉर्मेंस अच्छी लगी हसन आज तो स्टेप भूल गए क्यों भाई नहीं मुझे शामिर की परफॉर्मेंस अच्छी लगी क्योंकि आप जो भी स्टेप करते हैं बड़ा दमदार और ज़ोरदार करते हैं और अलशा क्योंकि आप यू बीइंग अ न्यू एंट्री मुझे आपके बहुत मोनोटोनस स्टेप्स लगे वेरिएशन नहीं था वेरिएशन था भी तो आपने उसको परफॉर्म एक ही स्टाइल से किया एंड जूनियर साहिर मुझे तो आपकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी लगती है मैं क्या करूँ मेरे पास चॉकलेट होती तो मैं आपको अच्छा आप ज़्यादा पर्सनल ना हो बस ठीक है आप ये तो भूल रहा था हाँ क्या करना है इधर आइए आप ले लीजिए करना भी मुश्किल है आंखें बंद आंखें बंद करें मियां के कलर के किरण बेटा कोई मौका जाने नहीं देना तुम भी सही कहा ये जूनियर छोटा सा एक ब्रेक है आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद कोई जादू होने को है All right, ladies and gentlemen, what's up, what's up, what's up, what's up, Talia? और ये यहाँ से कुछ लोग ऊपर से तालियां तो बज जाओ तुम लोग क्या कर रहे हो बैठ जाओ तालियां तालियां शोर बच्चों में भी थोड़ी एनर्जी कम हो गई है थोड़ा सा मेरा माइक और कर दीजिएगा अच्छा ये जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी जजेस इसके अंदर जरा गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात एक छोटा सा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि इस परफॉर्मेंस में दो लड़कियां ऐसी हैं दो बच्चियां ऐसी हैं जो परफॉर्मेंस को टाइम नहीं दे सकें रिहर्सल नहीं कर सकें उसका रीज़न ये है कल इनकी सिस्टर की तबीयत ख़राब हो गई थी इनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था लेकिन इसके बावजूद इन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई और ये कहती हैं कि हम इसके अंदर परफॉर्मेंस ज़रूर देंगे तो अब ये चार लोगों की टीम है और तुम दोनों कैसे इनको संभालोगे ये हम देखते हैं लेडीज जेंटलमैन अजीज और शब्बीर आ जाओ और इसके साथ साथ अदा और एमन आप दोनों आ जाइए अच्छा जी जजेस ये मैं पहले आपको बता दूं कि अदा और एमन जो हैं वो इसको रिहर्स नहीं कर सकी हैं ठीक है जी तो अब आपने देखना ये है जैसे भी आप उसको जज करें आप लोगों ने जज करना है और तुम दोनों की जिम्मेदारी ये है अजीज सुनो तुम्हारी जिम्मेदारी समझ गए ना अपने बैंड को वो सब जो
ये तुम्हारी बहन नहीं भाई है, ये भाई है, ये बहन है। ओके गुड गुड। तुम तो बहन की मदद कर रहे थे, तुमने सब कुछ खुद ही किया है। कोई भी मदद नहीं की तुमने बहन की। यार इधर आओ तुम, इतनी प्यारी बच्ची, तुम अकेले लगे हुए थे। हाँ जी। अच्छा आप दोनों ने तो प्रैक्टिस की ना, अजीज और शब्बीर ने, आप दोनों ने भी नहीं की? नहीं मतलब प्रैक्टिस मिली आपने, रिहर्सल की? अच्छा आप लोगों ने स्टार्ट सही लिया, लेकिन उन दोनों की प्रैक्टिस नहीं थी, आप दोनों की थी, तो आप दोनों के सिंक्रोनाइज होने चाहिए थे, डांस मूव्स एक जैसे होने चाहिए थे। बट अजीज आप डांस बहुत अच्छा करते हैं और बहुत एक्सप्रेशन होता है आपके डांस में, लेकिन आप भूल गए कि आपके साथ दूसरे लोग भी हैं। और शब्बीर थोड़ी सी शुरू में एनर्जी कम थी, लेकिन बाद में सही थी, यू वर ओके, आप लोग अपनी बहनों का साथ दे रहे थे। एंड अदर राशिद आप में तो बहुत पोटेंशियल है, आपको और मज़ीद अगर वक्त दिया जाए तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेंगी। और एमिन, एमिन मेरी जान आप तो हैं ही क्यूट, लेकिन डांस कॉम्पिटिशन है, मैं चाहती हूँ कि आप आगे तक जाएँ, थोड़ा सा और निकालो डांस अपने अंदर से, ठीक है? मुझे ये ग्रुप डांस नहीं लग रहा था, क्योंकि अजीज और शब्बीर के पास तो टाइम था, वो रिहर्सल कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद दोनों बिल्कुल अलग अलग अपना अपना कर रहे थे, दोनों अपना कर रहे थे डांस। और इनके लिए आदा के लिए कहूँगी, ये अच्छी डांसर है, ये इनको आगे जाना चाहिए, इनको बस मेहनत करनी चाहिए, रिहर्सल्स पे आना चाहिए, क्योंकि ये तो अब आपको पता ही कॉम्पिटिशन और आगे बढ़ रहा है, तो अब आपको करना चाहिए इसमें मेहनत। एमन के लिए तो कुछ लफ्ज ही नहीं है, तो मेरी शुरू से फेवरेट है, सब फेवरेट है। हाँ क्यूट तो है, जीरो कोऑर्डिनेशन, जीरो सिंक्रोनाइजेशन,
जीरो आई कॉन्टैक्ट, सब कुछ जीरो. अच्छा बॉयज, मैं तुम लोगों से पहले इन गर्ल्स से बताऊंगा कि मुझे नहीं लगा कि आप दोनों की रिहर्सल हुई हुई थी. बिकॉज एमन यू डिड वेरी वेल, जिस तरह से अदा जो जो कर रही थी एमन उसको फौरन फॉलो कर रही थी, वेरी गुड वर्क. और बॉयज मुझे लग रहा था कि ये उल्टा हो गया कि तुम लोगों की रिहर्सल नहीं, उन दोनों की रिहर्सल लग रही थी. एमन मुस्तकिल अदा को देख के स्टेप को फौरन कॉपी करी थी. एमन वेरी गुड वर्क एंड अदा वेरी गुड वर्क. बेटा और तुम्हें एक बात बताऊं मैं, कैमरा ये होता है, ये कैमरा होता है, ये कैमरा नहीं होता. ओके नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बता रहा हूं आपको थोड़ा. वैसे तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, वेरी गुड परफॉर्मेंस, आई लव यू गाइस एंड ऑसम. बैठ जाओ. थैंक यू जजेस, गुड लक हेमन. आजा आजा, हिलजुल कर लो थोड़ी सी. वो वहीं बैठा रहता, तुम भी वहीं बैठे रहते हो. चाय ला के दिया करो दोनों को. चाय दूं क्या? चाय दूं? ले आ, कॉफी लेके यार प्लीज. कॉफी में थोड़ा सा चूहे मारने की दवा डालना ताकि निजात ही मिल जाए इनसे. छोटी सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. सुफियान, वेल डन. इधर आ, इसको लोहे के कपड़े पहना के भेजा करो. रोबोट यार, क्या परफॉर्मेंस दी यार, तालियां तो बजा यार. ओए होए चकदा फटे. आज की आखिरी परफॉर्मेंस और उसके बाद एलिमिनेशन.
बुशरा की भी तबीयत खराब थी तो बुशरा बहुत प्रैक्टिस नहीं कर सकी हैं, अनस आ नहीं सके हैं, लेकिन सलाल हैं, सलाल एंड बुशरा यू कम जी प्लीज। अगेन जजेस आपको देखना होगा, बुशरा की तबीयत ठीक नहीं थी तो लेट्स सी कि क्या होता है। 1 2 3 4 आर यू गाइस रेडी? तैयार हो? ओके जी हियर वी गो, तालियां इनके लिए। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। देखा जो तुझे जानम हुआ है बुरा हाल, ये काली काली आँखें, ये गोरे गोरे गाल, ये तीखी तीखी नजरें, ये हिरनी जैसी चाल। ऑनेस्टली मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगे, मुझे नहीं पता जजेस क्या कहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मुझे ये बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बात, जब वो आया था ना ये काली काली आंखें तो इन्होंने हाथ ऐसे पकड़ लिया था एंड देन इनको सहारा दिया, ये काली काली आंखें तुरुरु तुरुरु, वेरी नाइस वेरी नाइस। हाँ जी जजेस एक मिनट है हमारे पास, जल्दी बताइए। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तुम्हारी, बहुत अच्छी मूवमेंट्स थी एंड तुमने बहुत अच्छा इसके साथ कवर अप कर लिया। थैंक यू मुशला, वाकई तबीयत खराब थी, लग तो नहीं रही थी तबीयत खराब। ओ चॉकलेट भी, ओए ओए चॉकलेट भी भाई, दैट्स वेरी नाइस। ग्रुप डांस नहीं था ये, कपल डांस था लेकिन बड़ा क्यूट था। सलाल ने जो है बड़ी सरप्राइजिंगली एक अच्छी परफॉर्मेंस दे दी और बुशरा की भी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस में आज क्योंकि वो हेड गियर हेड मूवमेंट नहीं था, जजेस ने फैसला कर लिया है, लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम नहीं है इसलिए कल आपको सुबह बताएंगे, जैसे ही स्क्रीन खुलेगी तो हम आपको बताएंगे कौन से बच्चे होंगे और कौन से बच्चे नहीं होंगे। एलिमिनेशन तो है, कल आपको पता चलेगा कि एलिमिनेशन कौन सी है। मेरे साथ इधर आ जाओ सारे, सब आ जाओ, तुम भी आ जाओ इधर, सारे लोग आ जाओ। और ये हम लोग अपने दोस्त मुबशिर के लिए लगा रहे हैं, उसको लैला पसंद है, लैला लगा दो और यहीं से हम खुदा हाफिज़ कहेंगे।
जजेस थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह एलिमिनेशन होगी, लैला लगा दीजिएगा। 1 2 3 एंड वी गो।